हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे हाल घर का हाल बहुत बुरा है। जैसे ये देखिए, और ये आंधी तूफान आने के बाद का हाल है। एक बार मैं ये हटाती हूँ पर्दा। ये कूलर यहाँ लगा दिया है, ये देखिए, ये कूलर यहाँ लगा दिया है और ये सारा सामान कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, ये देखिए। तो ये है मेरे घर का हाल, ये है मेरे घर का हाल। और अभी इसको मुझे पूरा ठीक करना है। बालकनी वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है, नाश्ता वगैरह सबको करा दिया है, सबको मतलब अंश और अंश के पापा करा दिया। मैंने अभी कुछ भी नहीं, नाश्ता नहीं किया है, ग्लूकोज पिया था और चाय पी, और कुछ भी नहीं खाया पिया है। पहले ये सारा काम निपटाऊंगी, फिर नहाने धोने के बाद तब कुछ करूंगी, या तो उसके बाद एक कप चाय पीऊंगी। तो बस देखते हैं कैसे होगा काम, क्या होगा काम। शुरू हो जाए काम तो ख़त्म हो जाता है, जब तक शुरू नहीं होता है ना काम तब तक ख़त्म भी नहीं होता। तो पहले मैं काम स्टार्ट करूँ, सबसे पहले ये ज़रूरी काम स्टार्ट करना। तो चलिए पहले काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। पहले मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, और ये जो शीशे का दरवाज़ा है इसके नीचे जो भी गैप है ना, वहाँ से सारी धूल मिट्टी आके यहाँ इकट्ठी हो जाती है। और ये इस जगह पे रखा हुआ था शूज़ वाले कार्टून, जो हमारे मतलब कि गर्मियों के शूज़, सर्दियों के शूज़, जो अलग अलग सीज़न के शूज़ होते हैं वो हम तीनों के, वो यहाँ कार्टून में रख के मैंने इसमें पैक कर दिया था कि ताकि वो गंदे ना हो, किसी भी सीज़न में पहनने के अपने काम आए। तो वो मैंने यहाँ हटाया तो इतनी गंदगी यहाँ से निकली, और ये डस्ट मैंने यहीं पर ही इकट्ठा करके हटा के फेंक दिया था, नहीं तो पूरे घर में वो धूल मिट्टी फैल जाती। बस वही काम हो रहा है। ये वो कार्टन था जिसमें हमने सारे जूते चप्पल अपने रखे हुए थे, तो इसमें बाकी के भी रख दूंगी मैं। घर में झाड़ू लगा दिया था मैंने, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे प्यास लग गई थी, तो थोड़ी सी छाछ बची हुई थी वही पी रही थी मैं। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तनों की क्लीनिंग करने, क्योंकि चाय नाश्ते के बर्तन फिर इकट्ठे ही थे। और मैं पोछा लगाने से पहले बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में अगर कोई पानी वगैरह गिरे तो पोछा लगाने के बाद साफ हो जाए। करने के बाद मैं पोछा लगा रही थी, तो और ये जो स्टैंडिंग वाला पोछा आपको मेरे हाथ में दिख रहा है, ये 10 साल पुराना है और अभी भी एज इट इज़ बहुत अच्छा है। शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ किचन में। कुकर में मैंने ली है चने की दाल, और इसे मैं स्टीम करूँगी। बिल्कुल लिक्विड नहीं करना है इसे, बस इतना स्टीम करना है कि आपकी दोनों उंगली के बीच में आके दब जाए। तो ये है चने की दाल, और आज मैं कुछ अलग बताने जा रही हूँ आपको चने की दाल से, तो आप देखिएगा ज़रूर। और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था। मेरे किचन का हाल आप देख लीजिए, जबकि दोपहर को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था किचन, किचन में कुछ भी नहीं था गंदगी, और ये शाम को हाल है। तो जब आपके बच्चे क्रिएटिव होते हैं तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो अंश के अंदर का मास्टर शेफ़ जो था वो जग गया था, तो ये उसने किचन का हाल बना के रखा है और कुछ बना रहा है। वो बनाना तो पिज़्ज़ा चाह रहा था लेकिन वो शेप नहीं आई, बना के उसने सब कुछ रेडी कर दिया था बस वो शेप नहीं आई, तो इसने मेरे से कहा मम्मा बेक कर दो, तो मैंने उसको इस तरीके से बेक कर दिया था। मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी और मशीन भी लगी हुई थी, बुधवार था आज तो मशीन तो लगानी ही थी। वो वाले करेले हैं जो मैंने कल रात को आपको से बताया था कि मैं छील काट रही हूँ, तो वही करेले हैं। इसने मैंने लगा के रख दिया था नमक और हल्दी 1 घंटे पहले कुक करने से। इन करेलों में मैंने पानी डाल दिया था और इसको अच्छे से निचोड़ निचोड़ के रख रही थी इसका पानी निकाल के, ताकि इसका कड़वापन अच्छे से निकल जाए। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ, इसीलिए आपको मेरा एक ही हाथ दिख रहा है। मैंने कढ़ाई में लिया था मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल में इन करेलों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये करेला हमने फ्राई करके निकाल लिया है। मैंने बहुत थोड़े से बनाया था क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि अंश को इतना अच्छा लगेगा, तो मैंने बहुत ही थोड़े से करेले काटे थे। तेल में हमने करेला फ्राई किया था, तो वही तेल है ये,
उसी तेल को हम यूज़ करेंगे। इसमें हम डाल देंगे एक पतली कटी हुई प्याज, और मैंने ज़ीरा डालना मैं भूल गई थी तो मैं आपके सामने इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। मैं एडिट करके अलग से नहीं दिखाऊंगी आपको, जो गलती हुई है वो आपके सामने ही है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन भुन गया था अच्छे से, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था जो मैंने खुद घर में बनाया था होममेड वाला, जिसकी रेसिपी है वीडियो में, दूसरी वीडियो में है जिसकी रेसिपी। और ये है टोमेटो प्यूरी, दो टमाटर थे छोटे छोटे, दो टमाटर थे। और क्वांटिटी आप मतलब कि आपका करेला ज़्यादा है, ज़्यादा सब्ज़ी बनानी है तो आप ज़्यादा टमाटो प्यूरी ले सकते हो, मेरे पास थोड़ा सा था इसलिए दो छोटे टमाटो के टमाटो प्यूरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी छोटे चम्मच, एक छोटे चम्मच हल्दी, एक छोटे चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से भून देना है तेल में ये सब कुछ। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल और मसाला अलग अलग हो चुका है, तो एक छोटे चम्मच आमचूर ऐड कर रहे हैं हम, तो ये है आमचूर एक छोटे चम्मच जो भून देंगे। ये है वो चने की दाल जो हमने बॉईल की थी, आप देख सकते हैं कि ये चने की दाल बिल्कुल भी गीली नहीं है, बस स्टीम्ड है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए करेले, जो हमने करेले फ्राई करे थे वो करेले मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी सी शेकी दिखे और मेरा एक ही हाथ दिखे, मैं अच्छे से मिक्स भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कैमरा रख के मैंने अच्छे से सब्ज़ी को मिक्स कर दिया था, और अब डाल रही हूँ मैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, आप कम या ज़्यादा खाते हैं, जिस भी तरीके से खाते हैं। आप चाहें तो इस सब्ज़ी को थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना सकते हैं, थोड़ा सा पानी वाला बना सकते हैं, तो थोड़ा सा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सूखा बनाया था इस सब्ज़ी को। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा गर्म मसाला फ्लेवर के लिए, जिससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। तो ये है गर्म मसाला, और ये पैकेट में का गर्म मसाला बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बस इतना ही बचा हुआ था इस पैकेट में, तो ये गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। और फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। मतलब अंश ने भी अगर दो रोटी करेले की सब्ज़ी के संग खा ली तो समझ लीजिए करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनी हुई है। और ये देखिए करेले की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्टेड रेसिपी है। वीडियो पूरी तो रिक्वेस्टेड मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये रेसिपी एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है। किसी ने मेरे से कहा था कि आप करेले का कुछ अलग बना के दिखाइए। और ये अंश का भी स्पेशल आइटम बनके रेडी हो चुका था, इसे ये बेक हो चुका था, बेक होने में इसमें काफ़ी टाइम लगा था। इसे मैं कट कर रही हूँ, नाम इसे आप चाहे जो दे दीजिए। बज रहे हैं रात के 10:30, सारा काम निपटा के बर्तन वर्तन धो के, और अब मैंने कपड़े सुखाने डाले हैं, जो शाम को मैंने कपड़े धोए थे वो सारे सुखा करके बाहर, मतलब सुखा करके क्या बाहर फैला करके आई हूँ, क्योंकि गर्मियों में मैं रात को या शाम को कपड़े इसलिए धोती हूँ कि जो कपड़े होते हैं ना वो सूख जाते हैं छाए में, और फिर उनका कलर ख़राब नहीं होता है। और अंश सो चुका है, उसका टाइम अपना होता है जब, तो वो सो ही जाता है, खा पी के सो चुका है। अंश ने बनाया था पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, और इसने सब कुछ खुद किया था, बस मैंने उसका बेस जो था वो बेला था और कुछ भी नहीं किया था। वाइट सॉस भी इसने खुद से बनाई थी, इसने मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया, बोला कि मम्मा पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, तो सब कुछ इसने खुद से किया था। और सुबह से कहता चलो आप बनाओ, चलो आप बनाओ, जब मैं बनाने के लिए चली तो इसने कहा नहीं, डो बनाया, वाइट सॉस बनाई, पिज़्ज़ा बनाया। बस इसने गलती किया कि चकले के ऊपर इसने सॉस वगैरह फैला के उसको छोड़ दिया था, तो वो ना सॉगी हो गया था थोड़ा सा, वो उठ के मतलब उठाते नहीं बन रहा था कि मैं पैन में डालूं उसको बेक करने के लिए, तो बस उसने यही कहा था मम्मा आप ना बेक कर दो, बाकी तो सारा मैं कर दूंगा। तो बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत अच्छे से बनाया था इसने, वीडियो में आप देखना। इसने पूरा रिकॉर्डिंग नहीं करने दी है, पूरी प्रोसेस रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, इसने कहा कि पता नहीं कैसा बनेगा मम्मी, पता नहीं अच्छा नहीं बनेगा तो मत रिकॉर्ड करो, लेकिन काफ़ी टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। तो उसको मैंने रोल बना दिया था क्योंकि वो डल नहीं रहा था ऐसे,
बेक होने के लिए, और बेक होने के बाद बहुत अच्छा बना था। इसने मतलब कि सोचो इतना छोटा बच्चा 12-13 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। और अब सो चुका है ये, क्योंकि इसका खुद का पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था, बाहर से तो आता नहीं, तो फिर इसने खुद ही यूट्यूब से रेसिपी देखी थी। खुद अपने मन से तो क्या बनाएगा, रेसिपी यूट्यूब से देखी थी, लेकिन डो बनाने से लेके वाइट सॉस बनाने से लेके इसने खुद किया, बेक मैंने किया था। तो बस आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, और बहुत ज़्यादा मतलब इधर का सामान उधर करने में ना हो ही जाता है, थकावट थोड़ी हो जाती है। कपड़े वगैरह धुले थे मैंने, और अब करूँगी एडिटिंग। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और जो मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी ना, आप उसको ज़रूर बना के देखिएगा, करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और अंश को पता भी नहीं चला कि करेले बनाए मैंने, उसको लग रहा था कि दाल बनी है चने की सूखी सूखी सी। और अंश ने भी 2 रोटी खा ली थी उस सब्ज़ी से। ज़रूर बनाइएगा करेले की सब्ज़ी। उसमें मैंने अदरक लहसुन का डालना भूल, मतलब कि डाला था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्ड कर रही थी और एक हाथ से मैं कुकिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ की फ्लेम पे चढ़ा हुआ था पिज़्ज़ा, और फ्लेम इतनी कम है गैस की, आप लोगों को पता ही है, तो प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा किचन फैल गया था। और अभी मैं इतने बर्तन धो के आई हूँ जितने मैं पूरे दिन में धोती हूँ, आज उतना एक बार में धोई हूँ। तो बच्चा है, काम करेगा तो फैलेगा तो है ही, लेकिन मेरे लिए यही बहुत है कि वो करना चाहता है। तो बस रखती हूँ अब, और आप लोग भी अपने घर में रहिए, ऐसे ही इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। ये पल फिर कहाँ मिलेंगे, बाहर मत जाइए, सुरक्षित रहिए खुद भी, और बाहर नहीं जाएंगे तो दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है मेरी वीडियो। मेरी वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल का आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले मिले और मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको बहुत सारा धन्यवाद। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।